साथियों, अगर अभी तक आपने अपने विद्यालय का जो अटेंडेंस रजिस्टर है, छात्र पंज का है, उसको पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है, तो अगर आप उसको पोर्टल के माध्यम से अपलोड करेंगे तो इस तरीके की दिक्कत आ रही है। स्टूडेंट एनरोलमेंट भरने के लिए BEO ग्रुप में शेयर ऐप का यूज करें। तो हम देखेंगे कि वो एप्लीकेशन कौन सा है। ये देखिए, ये एप्लीकेशन है प्रेरणा DBT। अब इसको आपको कैसे यूज करना है, देखिए। सबसे पहले ये आपको लिंक मिल जाएगा किसी न किसी ग्रुप में, और अगर नहीं मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको ओपन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। जब आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल अननोन ऐप्स, तो यहाँ पर इसको आपको स्लाइड कर देना है, और यहाँ से आपको इस तरीके के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आई एम अवेयर ऑफ द पॉसिबल रिस्क, और ओके पर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए, इंस्टॉल पर क्लिक करना है आपको, तो ये देखिए एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं इस एप्लीकेशन पर हमें कैसे काम करना है और कैसे स्टूडेंट एनरोलमेंट करना है। ये देखिए, इससे पहले क्या होगा कि आप अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे जो MDM में रजिस्टर्ड है। उस मोबाइल नंबर को टाइप करेंगे, आपको एक OTP आएगा, और वहाँ से आपको पिन जनरेट करना है। जब आप पिन जनरेट कर लेंगे तो उसके बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपकी यूजर ID होगी, वो टाइप करनी है, और पिन टाइप कर देना है। पिन 4 डिजिट का पिन जो भी आप बनाएं वो यहाँ पर आप टाइप कर देंगे, और उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। ये देखिए, मैंने अपना पिन टाइप कर दिया है। यहाँ पर बहुत आसान प्रक्रिया हो जाएगी ये एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये देखिए, इस तरीके से ये ऐप खुल के आएगा। यहाँ पर आपको आपके विद्यालय की डिटेल्स मिल जाएंगी, आपका कौन सा विद्यालय है, इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टूडेंट एनरोलमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको स्टूडेंट एनरोलमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये देखिए, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो ये देखिए, जो पोर्टल पर सूचना आती थी, सारी सूचना अपने विद्यालय के मार्च 2020-21 की छात्र पंजिका से मिलान करते हुए ही भरें। इस तरीके से वही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सेव ड्राफ्ट करने के उपरांत अगर आपने फाइनल सेव कर दिया है तो आप इसमें कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, सारे फील्ड भरे हुए हैं, केवल यहाँ से आपको स्कूल कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे लोकल बॉडी, आप लोकल बॉडी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इस पर आपको क्लिक कर देना है, लोकल बॉडी पे। और आपको अब ये देखिए, मेरा विद्यालय कंपोजिट है, तो आपको क्लास 1-8 की छात्र संख्या यहाँ पर भर देनी है, बॉयज़ और गर्ल्स में की फॉर्म में। अब उसके बाद आप इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, इस चेक बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको PDF अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए, आगे अटैचमेंट के लिए आपको इस पर क्लिक कर देना है। साथियों, कैसे आपको PDF बनानी है, इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। अब यहाँ से देखिए, मैंने उपस्थिति पंजिका करके PDF बना रखी है। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पर जो PDF है वो उपस्थिति पंजिका के नाम से बना रखी है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये PDF वहाँ पर शो करने लग जाएगी, अटैचमेंट वाली जगह पर। साथियों, यहाँ पर फाइनल सेव करने से पहले आप एक दो बार छात्र संख्या को मिलान जरूर कर लें, क्योंकि अगर यहाँ से आपसे गलती होती है तो आप अपने आप इसको सही नहीं कर पाएंगे, आपको BRC के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रख लें कि डाटा गलत ना हो, अगर गलत हो जाएगा तो आप इसको खुद से सही नहीं कर पाएंगे, आपको BRC जाना पड़ेगा, वहाँ से इसको सही कराना पड़ेगा। जब आप फाइनल सेव कर देंगे तो देखिए, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। आप PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं।